बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लाहौर गैरिजन स्कूल रहमत कैंपस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्लास वन, लेक्चर नंबर 14, यूनिट नंबर 1, फ्री इन द फॉरेस्ट, पेज नंबर 22। बिफोर स्टार्ट लेक्चर आई विल रिकॉर्ड यू अबाउट द स्टोरी ऑफ फ्री इन द फॉरेस्ट। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ बेबी एलिफेंट हुज़ नेम इज़ जूबी, हुज़ नेम इज़ जूबी, हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। वन डे ही फॉल्स इन टू अ पिट, वो पिट में गिर जाता है, यानी कि फॉरेस्ट में वो रहता है और इसी तरह से वो जा रहा होता है एक दिन, तो वो जो ग्राउंड है, ज़मीन है, उसके अंदर बिग होल होता है, वो जहाँ से निकलना मुश्किल होता है उसमें वो गिर जाता है। यानी कि पिट जो है, क्या किसको कहते हैं, आ बिग होल इन द ग्राउंड, जहाँ पे वो गिर जाता है और वो बाहर नहीं आ सकता। सम मैन फाइंड जूबी, दे पुट हिम इन द इन अ केज, और भोला एंड बानो लिव्स इन द विलेज नियर द फॉरेस्ट। ठीक है, नियर द फॉरेस्ट वहाँ पे रहते हैं। दे सी जूबी इन द केज, ही लुक्स वेरी सैड, वो बहुत सैड नजर आते हैं और वो भी सैड हो जाते हैं। भोला एंड बानो गो टू द केज, केज के पास जाते हैं और उस गेट को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। जूबी वॉक्स आउट ऑफ द केज, ही इज़ फ्री एंड वेरी हैप्पी, एंड ही गोज बैक टू द फॉरेस्ट, एंड ही इज फील वेरी हैप्पी। भोला एंड बानो ऑल्सो फील वेरी हैप्पी। इन टूडे लेक्चर वी विल रीड अबाउट द क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर, राइट वर्ड्स इन ऑल द बॉक्सेस, इन ऑल द बॉक्सेस। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर देर इज़ अ एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, इट्स नेम इज़, वट इज़ द नेम, नेम बेबी एलिफेंट का क्या नेम था, इट्स नेम इज़ जूबी, इट्स नेम इज़ जूबी, एंड देर इज़ अ केज, देर इज़ अ ट्री बिहाइंड द केज, देर आर देर इज़ अ हर्ट, एंड देर इज़ अ भोला एंड देर आर भोला एंड बानो, भोला एंड बानो। ठीक है, भोला एंड बानो भी है वहाँ पे। यहाँ पे ये लेबल करना है आपने पिक्चर को इसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बॉक्स में क्या राइट करेंगे, वी राइट हियर वट इज़ द वर्ड ऑफ, वर्ड इज़ जूबी, एलिफेंट नेम इज़ अ बेबी एलिफेंट, बेबी एलिफेंट नेम इज़ जूबी, जे यू बी आई जूबी, जे यू बी आई जूबी। वट इज़ द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट, ये जो है लेबल कहाँ पे जा रहा है, ट्री के ऊपर, ट्री बिहाइंड द केज देर इज़ अ ट्री, सो वी राइट हियर ट्री, टी आर डबल ई ट्री, टी आर डबल ई ट्री। मूव टू द नेक्स्ट, देर इज़ अ हर्ट, देर इज़ अ हर्ट, तो वी विल राइट हियर एच यू टी हर्ट, एच यू टी हर्ट, एच यू टी हर्ट। मूव टू द नेक्स्ट, ये वाला लेबल कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इस एरो कहाँ जा रहा है, केज, यहाँ पे क्या है, केज, देर इज़ अ केज, सी ए जी ई केज, सी ए जी ई केज, सी ए जी ई केज, देर इज़ अ भोला, यहाँ पे क्या राइट करेंगे, वी राइट हियर भोला, बी एच ओ, बी एच ओ एल ए भोला, बी एच ओ एल ए भोला, देर इज अ बानो, देर इज़ अ बानो, वी विल राइट हियर बी ए एन ओ बानो, बी ए एन ओ बानो। दिस इज द क्वेश्चन सीट, नाउ मूव टू द आंसर शीट, देर इज, दिस इज द आंसर शीट, लुक एट द पिक्चर, राइट वर्ड्स इन ऑल द बॉक्सेस। इस तरह से जब आप देख सकते हैं, यू इट लुक लाइक दिस विद द वर्ड्स, फर्स्ट इन द फर्स्ट बॉक्स देर इज़ अ जूबी, इट्स देर इज़ अ बेबी एलिफेंट, इट्स नेम इज़ जूबी, जे यू बी आई जूबी, जे यू बी आई जूबी। देर इज़ अ ट्री बिहाइंड द केज, टी आर डबल ई ट्री, टी आर डबल ई ट्री। मूव टू द नेक्स्ट, देर इज़ अ हर्ट, देर इज़ अ हर्ट, तो वी राइट हियर एच यू टी हर्ट, एच यू टी हर्ट, एच यू टी हर्ट, और दिस एरो गोज टू द केज, दिस इज़ अ केज, वी राइट हियर केज, सी ए जी ई केज, सी ए जी ई केज, केज किसको कहते हैं, पिंजरे को। एंड मूव टू द नेक्स्ट एरो, मूव टू द भोला, वी राइट, वी विल राइट हियर भोला, बी एच ओ एल ए भोला, बी एच ओ एल ए भोला, वी राइट हियर भोला,
मूव टू द नेक्स्ट एरो, इट्स गोज टू द बानो, देयर इज अ बानो, वी राइट हियर बी ए एन ओ बानो, बी ए एन ओ बानो, बी ए एन ओ बानो। तो इस तरह से आपने देखा है कि इस पिक्चर को हमने इसके अकॉर्डिंग हमने इसको इसमें बॉक्सेस में वर्ड्स राइट किए हैं। पिक्चर्स को आपने लुक एट द पिक्चर, पिक्चर्स में देखा ये जो लेबलिंग हुई हुई है ये अकॉर्डिंग टू द पिक्चर हुई है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ द यूनिट, इट इज़ द स्टोरी ऑफ द अ बेबी एलिफेंट और हुज नेम इज़ जूबी हु लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड वन डे सम मैन फाइंड हिम एंड दे पुट हिम इन अ केज, यू कैन सी हियर देर इज़ अ केज एंड बोला एंड बानो सी द बेबी एलिफेंट लुक्स वेरी सैड, दे ओपन द गेट एंड द जूबी वॉक्स आउट ऑफ द केज एंड ही इज़ फ्री एंड वेरी हैप्पी एंड बोला एंड बानो आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो ये स्टोरी थी इसकी और इस तरह से स्टोरी के अकॉर्डिंग ये पिक्चर्स है, ये बिल्कुल स्टोरी के अकॉर्डिंग है और हमने इस तरह से पिक्चर्स को देखते हुए यहाँ पे वर्ड्स राइट किए हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, टू रिवाइज इट एट होम एंड डू इट ऑन योर वर्कशीट। थैंक यू वेरी मच।